This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contacts provided by this channel is meant for education purposes only. Shiner चालक दल को समर्थन प्राप्त किया जब वे संभावित जीवन स्थितियों में हैं, जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों द्वारा आवश्यक कुछ अवसरों तक स्थितियों को चमकने के लिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे हस्तकों की तकनीकों को प्रदर्शित कर सके। किसी भी खतरनाक वातावरण में प्रवेश करने से पहले पेशेवर सलाह हमेशा आप लोग देख लेंगे सर्वे या सर्वेक्षण। कितना नीचे आए पूरा उधर से इस जगह पे हम लोग नीचे की तरफ आ गए। ये जो छोटा सा एक नदी दिख रहा है ना, मतलब नदी नहीं है ये, जब नाला है, जब बारिश ज़्यादा बारिश होता है तो इस जगह पर पूरा ऐसा करके बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से जाता है। पूरा पहाड़ का पानी इस तरह के रास्ते से जा सकता है और एक बाढ़ आने का चांसेस है, रह सकता है इसी रास्ते चलने से। तो चलते हैं क्योंकि अभी तो कुछ नहीं जा रहा। यहाँ पे पानी तो थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, हम लोगों को दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा पानी के बदले कुछ, क्योंकि यहाँ पे केले का पेड़ बाम्बू वगैरह बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को पता ही है पानी मिल सकता है। देख पा रहे कितना सरा हुआ ये जो ट्री है, पूरा सर चुका है, सर गया। इसके अंदर नहीं है कुछ भी। यहाँ पे हम लोग मुझे कुछ दिख रहा है, चलते थोड़ा सा पानी है यहाँ पे और मुझे लगता है यहाँ पे पहाड़ी जो केकड़ा वगैरह नदी का है ना, इस जगह पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आके देखिए ये जो गड्ढा है पूरा नया नया है, मतलब केकड़ा वगैरह मिल सकता है इसके अंदर। हम लोग देखेंगे कुछ एक ले लेते हैं इसके जरिए, देखते हैं अंदर कुछ है क्या। थोड़ा थोड़ा पानी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, हाथ में नहीं आया क्योंकि जो गड्ढा है बहुत बड़े है, लंबा है तो हाथ को पूरा गीला गीला हो गया। इस तरह के जो जगह है ना, इस तरह का जो जगह है इसमें फिश भी मिल सकता है क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा ही रहता है और फिश यहाँ पे तो फिश नहीं, बट पत्थर हाथ में कुछ भी मतलब नहीं है अभी तक। इस तरह के जगह पे मतलब जो जगह पे टर्टल भी मिल सकता है क्योंकि ज़्यादा थोड़ा पानी है यहाँ पे और कुछ जैसे केकड़ा वगैरह भी हो सकता है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है अंदर। देखिए कितना अंदर तक है गड्ढा, इसमें भी कुछ भी नहीं है, पानी है। हर एक गड्ढा है, उधर भी एक गड्ढा है, मतलब
पूरा गड्ढा गड्ढा है। पूरा नदी सूख गया, पूरा नदी मतलब पानी थोड़ा भी नहीं है। यहाँ पे कुछ रास्ता मतलब मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा साइड की तरफ जाना पड़ेगा हम लोग को। तो इतना दूर आ गया, अभी साइड में केले का पेड़ भी इतना नहीं दिख रहा है, पूरा नीचे की तरफ है अभी हम लोग। अभी पानी और खाने का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे और कुछ। अभी तो पहले तो पानी और खाना का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जगह पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मच्छर है। अभी यहाँ पे कुछ पानी खाने लायक इसे आप पानी का पूरा इससे बहुत ज़्यादा पानी का सोर्स मिलता है। आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप जंगल में होते हो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो है पानी का पेड़ है।
इसको लोकल जो लोग हैं ना, इसको कच्चा नहीं खाते, पका के खाते हैं इसको। इसको मैं साथ में लेके चलूँगा, जब आग जलाएंगे तब इसको पका के खाएंगे। यहाँ पे जंगली चिकन वगैरह है, हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करने लगे थे। धीरे थोड़ा धीरे करके चलेंगे। यहाँ पे दो तीन चिकन था, मुझे देखा, मैंने देखा इधर में, तो सेकंड में चला गया, वो सब में था पूरा।